आज के इस वीडियो में मैं आपको मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी। ये मूंग दाल का हलवा हम इस प्रीमिक्स से बनाएंगे। ये प्रीमिक्स को हम हमारे रेफ्रिजरेटर में एक टाइट डब्बे में बंद करके 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता और जब भी हमें हलवा बनाना हो ये हलवा 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप येलो मूंग की दाल ली है और इसे मैं कम से कम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद हमें इसे स्ट्रेन करके कम से कम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और ये मैंने 3/4 कप चीनी ली है, आप चाहें तो 1 कप भी चीनी ले सकते हैं, मैं कम मीठा बनाना पसंद करती हूँ। इसे मैंने मिक्सी में पाउडर कर लिया है। अब एक पैन में मैंने 1/4 कप घी डाला है। घी हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें हमारी जो दाल धुली हुई है वो इसमें डाल देंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए सेकना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसे हमें लगातार चलाते हुए सेकना है ताकि इसकी सेकाई एक समान हो। अब मैंने इसमें यहाँ 1/2 कप बादाम डाल दी है, मैं इसे भी इसी में रोस्ट कर लूँगी। बादाम डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और जब हम प्रीमिक्स बनाते हैं तब उसमें स्लाइस्ड बादाम भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। घी गर्म होता है और पैन गर्म होता है इसलिए थोड़ी सिकाई बाद में भी होती है। इसे कम से कम 15-20 मिनट ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक मिक्सर दाल में डाल के पीस लिया था। मैंने इसे एकदम फाइन नहीं पीसा है, थोड़ा मैंने इसे दरदरा ही पीसा है ताकि हलवा खाते हैं तो उसमें थोड़ा दाल का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करूँगी और उसे भी मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। प्रीमिक्स बनाना बहुत ही ईजी होता है। ये मैंने इसमें 1 कप चीनी का पाउडर डाला है जो हमने पीसा था और साथ ही में मैं इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर दूंगी। इस टाइम आप चाहें तो स्लाइस ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा प्रीमिक्स बनके रेडी हो गया है। इसे बनाना बहुत ईजी है और इसकी शेल्फ लाइफ भी 6 महीने तक है। जब भी हलवा बनाना हो बस निकालो और बना लो। अब मैं आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है और 1 कप दूध और 1/4 कप घी लिया है। एक पैन लेंगे, उसमें हम 1/4 कप घी डाल देंगे। घी हमारा जितने गर्म हो रहा है हम 1 कप दूध को भी उबालने रख देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया, अब हम इसमें 1 कप प्रीमिक्स डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से फिर से सेकेंगे। इसे हमें बादाम के कलर तक सेकना होता है। इसे हमें लगातार चलाते हुए सेकना होगा वरना ये नीचे चिपक के जल सकता है। गैस हमारी एकदम मीडियम से स्लो ही रहेगी। ये हमारा अच्छे से सिक गया है और हमारा दूध भी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ दूध ऐड कर देंगे। अब हमें इसे लगातार चलाना है ताकि हमारे हलवे में गुठली ना आए। अभी भी हम हमारी फ्लेम लो पे ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हैं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। ये देखिए हमारा हलवा अब थोड़ा गाढ़ा हो गया है और इसने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हलवा एकदम इकट्ठा सा होने लग गया है, इसका मतलब हमारा हलवा जो है वो बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। ये देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैंने इसे स्लाइस पिस्ताचो और स्लाइस आलमंड से गार्निश कर दिया है।
हमारा हलवा बनके रेडी है। ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।